द लॉर्ड, जय मसीह की। मेरा नाम सेते कुमार है। तो साधु सुंदर सिंह की सफलता तो बाद परमात्मा ने मैनू सोझी दिती अते हुण तुहाडी सारयां दी बदौलत साधु किशन सिंह जी ने सानू मौका ते आशीर्वाद दिता। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करदा। मैं उम्मीद ते विश्वास करदा कि इस फिल्म के द्वारा, साधु किशन सिंह जी की फिल्म द्वारा, हज़ारा लखां लोगों का जीवन बदले ते परमेश्वर की कृपा होवे ते प्रभु का राज वधे ते प्रभु तुहानू सारयां नू अपना आशीर्वाद दवे जी। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, ये फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इसके पात्र भी असली हैं। इस फिल्म को बनाने का साडा मकसद किसी भी व्यक्ति, जाति या धर्म को चोट पहुँचाना या उसकी आलोचना करना नहीं है। इस फिल्म दे राही असी लोगों तक उस व्यक्ति की जीवन गाथा पहुँचा रहे हैं जिसने परमेश्वर को प्यार किया अते प्रभु का अलौकिक ज्ञान प्राप्त किया। साड़ी ये शुभेच्छा है कि वेखन वाले भी इस फिल्म राही प्रभु यीशु मसीह तो आशीष प्राप्त करन। हेलो दीदी। बुआ जी, तुहाडा फोन। चंगा फोन आया। जय मसीह दी। दीदी, तुहाडे नाल गल होई सी ना दीदी? हां हां, बोलो। कि मैं आ सकना? आ सकदे हो मेरे घर? ठीक है दीदी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं सेते कुमार हां। हां जी, आ जाओ, तुहाडा स्वागत है। जी दीदी जी, बैठो। आलो जी। दीदी, हां जी। प्रभु यीशु मसीह दे महान दास साधु किशन सिंह जी दी जीवनी बारे तुसी दसो, असी जानना चाहंदे। बिल्कुल, मैं बहुत खुश हां जी ते परमेश्वर दा धन्नवाद करदी हां इस गल नाल कि परमेश्वर पिता ने मैनू ते मेरे भरा साधु किशन सिंह नू आवदी गवाई लई चुनिया। हां जी। पंजाब प्रांत दे लायपुर जिले विच सरदार प्रताप सिंह मशहूर जमींदार, वो अपने धर्म दे बड़े पक्के सी, बड़े भरोसे वाले सी और अपने धर्म दे कम्मां वास्ते हमेशा दिलों दान देंदे सी। लेकिन ब्याह दे 12 साल बाद भी वो औलाद दे सुख तो महरूम सी। सरदार जी दी पत्नी तन्नन कौर ज्यादा वक्त व्रत रखन च बतांदी सी, लेकिन ईश्वर ने उन्हू औलाद दा सुख नहीं दिता सी। रोनी क्यों है? दुखी क्यों नहीं? जे साड़ी किस्मत च होएगा तो सानू बच्चा जरूर मिलेगा। चल, फिकर ना कर। साधु सुंदर सिंह उना दिना च असाईयां दे बड़े मशहूर साधु सी। ओ बड़ी लगन दे नाल प्रभु ईशु मसीह दी महिमा सारे संसार विच घूम घूम के करदे सी। साधु सुंदर सिंह तन्नन कौर दे रिश्तेदार भी सी और ओ कदी कदी मिलन वास्ते ओरे घर भी आंदे सी। जी छोटू काका। जी मालकिन। देखो जरा कौन आ। जी आओ बाबा जी, आजो। साधु बाबा जी, आओ बैजो। ते तुहाडी यात्रा कीवें दी रही? बहुत वधिया रही। आलो जी। आलो साधु गुरु जी। धन्यवाद। साधु जी, रब ने सानू सुख संसार दी सारी सुविधावां दित्तियां हन, लेकिन पता नहीं क्यों संतान सुख तो वंचित रखिया है। दुखी ना हो भैन, रब छेती ही तुहाडी आस पूरी करेगा। हाँ जी। और चुप करो, मैं इन्हां साधुआं नूं चंगी तरह जानना। इन्हां दा जीवन प्रार्थना रहित हुंदा है ते ए जेड़ियां वी लम्मियां लम्मियां प्रार्थना करदे ने, मैनूं इन्हां गल्लां ते कोई विश्वास नहीं। बकवास है सब। सुखी रह बच्चा, धन कौर तुसी चिंता ना करो। हाँ जी बाबा, रब छेती ही तुहाडी गोद भर देगा।
ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੋ ਬਾਬਾ। ਆ ਭੈਣ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਆਸਮਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਧਨ ਕੌਰ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹਦੀ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਕ ਸੁੰਜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸੁੰਜੀ ਕੋਖ ਨੂੰ ਭਰ ਦਵੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਦਵੋ। ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਣ ਧੋਣ ਦੇ ਦਿਨ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਚੰਗਾ ਜੀ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਧੂ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਦੋ ਜੁੜਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਸਾਧੂ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਛੋਟੂ, ਛੋਟੂ। ਹਾਂ ਜੀ ਮਾਲਿਕ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ। ਜੀ ਮਾਲਿਕ। ਮਾਲਿਕ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ 200 ਬੋਤਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾ ਲਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਈਸਾਈ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰਿਕ ਹੈ। ਉਹ ਬਸ ਈਸਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਈਸਾਈ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਈਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਰਤਨ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨੇ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨੀ। ਛੋਟੂ ਜੀ ਮਾਲਿਕ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਮਾਲਿਕ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਧੂ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯੋਤਾ ਭੇਜਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਿਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਵਾਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜੁੜਵਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੱਬਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਲਈ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਹੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਣਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ ਸਾਫ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ? ਜੀ ਹਾਂ। ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਧਨ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਕਦੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਯੋਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 37 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਚਿਆ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਕਰੂਜ਼ ਦਾ ਚਿੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੰਨ ਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਗੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕੇ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਅਸਹਿ ਅਤੇ ਅਕਹਿ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਈਸਾਈ ਸਾਧੂ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਈਸ਼ਵਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ।
ਯੋਨਾ ਚਰਾੜ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਝਗੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਕਿ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨਾਲੀ 'ਚੋਂ ਗੋਲੀ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਫੁੱਲ 'ਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਢਾਏ ਨੇ ਉਹ ਅਟਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖੈਰ ਰੱਖੀ ਮਾਲਕਾ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਸ਼ਨ ਔਰ ਵੇਰਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਮਿਸ ਰੁੱਥ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਲਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਲਗਾਉ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਓ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰ ਕਰੋ, ਔਰ ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਆਪ ਖੁਦ ਪੱਤੇ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟੀਚਰ। ਉਹ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸਦੀ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ। ਸੋ ਚਿਲਡਰਨ, ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਕੂਲ 'ਚ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸੀ ਅਬਦੁਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਬਦੁਲ ਛੇਤੀ ਕਰ ਚੱਲ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂ ਉੱਠ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉੱਠ ਨਾ, ਚੱਲ ਉੱਠ ਹੁਣ, ਉੱਠ ਨਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ? ਅਬਦੁਲ ਭਰਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ? ਉੱਠ ਜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਉੱਠ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਉੱਠ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਉੱਠ ਨਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ? ਉੱਠ ਜਾ, ਉੱਠ ਨਾ, ਉੱਠ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਮਾਂ ਰੁੱਤ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਛੇਤੀ ਕਰਿਓ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ? ਵੇਖੋ ਨਾ ਮਾਂ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀ ਹਾਂ ਮਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿਓ ਮਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੀ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਜੀਸਸ ਸਭ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੀਸਸ ਸਭ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਜੀਸਸ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੂਗਾ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਸ਼ੂ ਤਾਂ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਸ਼ੂ ਦੀ ਜੈ ਹੋ, ਐਸ਼ੂ ਦੀ ਜੈ ਹੋ, ਐਸ਼ੂ ਦੀ ਜੈ ਹੋ, ਐਸ਼ੂ ਦੀ ਜੈ ਹੋ। ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ ਪੁੱਤਰ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਸਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਬਤਾਵਾਂਗੀ। ਮਿਸ ਰੁੱਥ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਪੁੱਤਰ। ਹਾਂਜੀ ਡੈਡੀ ਜੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ? ਡੈਡੀ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਮਿਸ ਰੂਥ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਡੈਡੀ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਸੁਣ ਪੁੱਤਰ। ਹਾਂਜੀ ਡੈਡੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਡੈਡੀ ਜੀ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਵੇਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਡੈਡੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਸਿੱਖੋ, ਉਰਦੂ ਸਿੱਖੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੋ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਨਾ ਪੜੋ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਸਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਓਏ ਰੁਕ ਜਾ ਓਏ। ਹੈਂ ਹੈਂ। ਓਏ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਿਸਰਤ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਚੱਲੇ ਆ। ਪਰ ਬਸਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ? ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਕਲਾਸ ਕਲਾਸ 'ਚ ਰਹਿ। ਓਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਮੈਡੀਟਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਓ ਮੱਟੂ ਹੈ। ਓਏ ਤੇਰੀ ਮੱਟੂ, ਮੱਟੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਵੱਡਾ ਮੱਟੂ। ਓ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆ ਮੈਂ। ਕੌਣ ਆ? ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਿੰਘ। ਓਏ ਦੰਦੀਆਂ ਕੀ ਕੱਢਦਾ? ਮੈਂ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ
ਮੇਰੇ ਸਰੂਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਇੱਧਰ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਤੂੰ ਬੜਾ ਖੇਡਦੇ ਇੱਧਰ ਚਲੋ ਚਲੋ ਮੁਰਗਾ ਬਣ ਜਾਓ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਓਏ ਮੁਰਗਾ ਬਣ ਮੁਰਗਾ ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬਣ ਮੁਰਗਾ ਓ ਮੁਰਗੀ ਨਹੀਂ ਮੁਰਗਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਛੱਡ ਦੇ ਭੀੜ ਹੋਣ ਡਈ ਏ ਗੋਡੇ ਭੀੜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਛੱਡ ਦੇ ਓਏ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ जोड़े तो गांठ पड़ जाए पैन दे दे चढ़ दे किशन सिंह जी सर रहीमन तागा प्रेम का वो तो तू पहन नहीं देता ना सुनो तेरी हड्डी पसली प्रेम का टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े तो गांठ पड़ जाए जुड़े तो गांठ पड़ जाए हड्डी जोड़िया भी नहीं जुड़नी चंगा बच्चो कल मिलने इतना तेरी हिम्मत कैसे होए तो मैंने पहन नहीं देता तेन दसदा नहीं तेरी अखा च जला पै गया तेन दिता नहीं गा की होए तू मैनू हाथ कबड्डी खेडेंगे मेरे नाल तेरे वर्गे चल चट्टियां दे नाल मैं कबड्डी चल फिर आजा मैदान च शैतान सिंह है शैतान सिंह और जा तू आजा मैदान चल चल आजा फिर आजा उधर चल लेंगे पासे चल शुरू कर चल शुरू कर चल तू जा कबड्डी 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 चहराएगा शैतान सिंह कबड्डी चहराएगा तू कबड्डी चहराएगा तू कबड्डी चहराएगा किशन सिंह एक ही करते पे हो मैं सिर्फ इतना तुम्हारी कंप्लेंट करने चले हां सर सर सॉरी सर मैं नहीं फसल रोकना सर नु वीर कुछ ज्यादा ही मस्ती कर रहे ने आजकल नहीं सुधरेगा वेख पुत्र बुरे कमां नूं छड्ड दे हुण तू वड्डा हो गया तेरे छोटे छोटे भरा पैण ओह भी तेनूं वेख के बुराई सिख जाणगे तेरा इस बुराई दे कारण तेरे माता पिता ते मास्टर सारे दुखी हो गए ने एक गल कहां सर हां जी बोलो आज तक तुसी मैनू स्कूल दे गेट तो बाहर कढ रहे हो हां पर मैं तो तन्नू दे बाहर कढ दूंगा जा मैं तेनू माफ कीता है चल अरे यार लगता मैं गलती कर बैठा मिस रूथ मेरे बारे की सोचनगे Excuse me, Mr. Kishan Singh ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿਸ਼ਨ ਪੁੱਤਰ ਸਕੂਲੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਣ ਡੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਡੈਡੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰੇ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨੇ ਪਾਗਲਪਨ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਤੂੰ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕੇ ਕੋਈ ਵੇਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਏ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣਗੇ ਨਹੀਂ ਡੈਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਵੇਖ ਇਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਚ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੈਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਰ ਚਲੋ ਸਮਝੀ
कहे लगता है। थैंक यू रब जी, थैंक यू। ज्ञानी जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। बह जाओ ज्ञानी जी, मैं चाहना कि मेरे बेटे की अध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा तुसी उन्हें प्रदान करो ताकि उसका जीवन सफल हो जाए। इत्थे बैठो जी। सत श्री अकाल बाबा जी। बंदा तो कुछ नहीं कर सकता, ये बंदे दे वस्ती गल नहीं है। हाँ जी। मैं चाहना वा कि इहदे लई 40 दिन पाठ करो। फस गया। अते बह के सुने अते इहदे ते भी कुछ असर होएगा। हाँ जी। अते पाठ सीख सकता है। ठीक है, तुसी इहदी तैयारी करो। हाँ जी। ठीक है जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। प्रताप सिंह ने अपने कार च 40 दिन दा पाठ रखिया और अपने सगे संबंधियों नू बुलाया। किन किशन सिंह दी सेहत इना 40 दिना बाद च खराब हो गई और ओ बेहोश हो गए। किशन, जा वैद्य नू सद के लिया। उठ जा पुत्र। आओ वैद्य, आओ। मालिक मालिक, वैद्य जी आ गए। वैद्य जी वेखो ना की हो गया नू। प्रताप सिंह, इन्हू खान नू कुछ ना दिता तां इह बीमार हो जाऊगा। वर्त दा पाठ चलन दिया, असी इन्हू कुछ खान लई नहीं दे सकते। जे असी इहदे वर्त नू तोड़ देंगे तो साडी सारी तपस्या भंग हो जाएगी। सुनो छोटू काका। जी मालकिन। जाओ छेती कुछ खान नू लाओ। जी मालकिन। बस एक पैर दी ते गल है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैद्य जी चलो, मैं तुहानू छड्ड आवां। जी चलो। छोटू काका। जी मालकिन। मिस रुत नू बुला लियो। जी प्रार्थना करो। इस वजह नाल पिंड वालियां च आक्रोश काफी बढ़ गया। प्रेज द लॉर्ड। ओ लॉर्ड जीसस, तुसी इस बच्चे नु आशीष दियो। लॉर्ड शावर हिज ब्लेसिंग्स अपॉन हिम। श्लोक महला पंजवा। क्योर हिम। बिछो हे जंपूर। मे द ऑलमाइटी गॉड। की कर रहे हो लोग? मे द लॉर्ड शावर हिज ब्लेसिंग्स अपॉन यू। किशन, पुत्र तनु होश हो गया। गॉड ब्लेस यू। है पुत्र, पवित्र आत्मा दे छून दे बाद पास्टर बिशप ने किशन सिंह नू बैप्टिज्मा दे दिता। एनू देखते हुए पिंड वाले बड़े गुस्से जा और पास्टर बिशप दे उत्ते हाथ चुके। गलत है, गलत है। फादर तुसी इत्थे तो चलो, ये सारे लोग की गलत ने। तन्नन कौर पास्टर जी नू उत्थों लै के चली गई और पिंड वालिया ने मिस रुथ नू मिल के घेर लिया। हट। ने अपने शरीर नू पूरी श्रद्धा प्रेम नाल ते जीसस नू पूरे भाव नाल अर्पण कर दो। By the mercy of God, we present our body and soul to Lord Jesus. Jesus हम सब ते मेहर करे। मैं अपने रब दे लई मरदी पई आ। मैं तुहाडे तो नहीं डरदी आ। मैं बहुत खुश आ। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। कित्थे आ तेरे यीशु? बड़ा आ यीशु नु। ओ मेरे दिल च है जीसस। एथे ने ते जीसस सब जगह ने। हस ले जिन्ना मर्जी, मैं नहीं डरदी आ। ओ नहीं, ए की कित्ता तसी
मिस रूथ, मिस रूथ, ताया जी, एक ही चीज़ चपटा के बैठा, मिस रूथ, मिस रूथ, उठो तो सी, उठो ना मिस रूथ, मिस रूथ, उठो मिस रूथ, गिरफ्तार करो, चल ले, उठो तो सी, चल, आगे चल, तो आलू कुछ नहीं हो सकता, पुत्र, मेरी बाइबल है, उन्हें तेरी है, उपदेश देना, मिस रूथ, मिस रूथ, मिस रूथ, मिस रूथ, पुत्र, होने ना ते बलिदान दा बल तेनु चुकाना है, पूरे संसार विच जाके बाइबल नु फैलाना है, एंजी तेरी गलती दा प्राश्चित होवेगा, होने होना ते मार्ग ते ही चलना है तेनु, मिस रूथ, हाँ पुत्र, तू ना रो मेरे पुत्र, पुत्र असी रूथ दे बलिदान नू इंज नहीं जान देंगे, असी परमेश्वर दे वचना नू पढ़ांगे, आ चलिए पुत्र, सानू परमेश्वर दे राज्य नू वधाउणा है, चल मेरे पुत्र। माँ कहंदी किशन सिंगा किते डोल ना जावी वे हुण यीशु नाल तेरे तू भी साथ निभावी वे हुण यीशु नाल तेरे तू भी साथ निभावी वे सरूर सिंह ने जेल च अपनी गलतियां दी माफी मांग के उन्होंने जेल च अपने आप नू फांसी ला ली। ओए किशन सिंह चल उन्हें मारना। चल, चल किथे रुको ना, सानू वचन सिखाउंदा है कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, सानू प्रेम नाल रहना चाहिए। देखो मेरी गल सुनो, वचन पढ़ो, वचन च की लिखा है, वचन प्रेम है, दुश्मन दे नाल भी सानू प्रेम करना चाहिए, ते वचन कहंदा है कि परमेश्वर दे नाल जाना, पर वचन कहंदा है कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। मेरी गल तो सुनो, लोग मेरे वीरो सुनो, तो किशन बेटा कहीं डोल न जाना रे, अब यीशु पास तेरे तू भी साथ निभाना रे, अब यीशु पास तेरे तू भी साथ निभाना रे। पुत्र तन्नन कौर किशन सिंह नू 4 साल लगातार बाइबल सिखाउंदी रही। आ पुत्र बह जा, पुत्र यही सच्चा ते सच लखा हनेरिया विच भी चमकदा है, जिवें लुका 8:34 ते 35 विच लिखिया है कि जो रब दे लई अपने प्राण खोवेगा ओ उसनू बचाऊगा। हां किशन ते ओदी मां किथे वे? हां मां की मिस रूथ अज भी जिंदा है? पुत शारीरिक रूप तो नहीं पर आत्मिक रूप तो जिंदा परमेश्वर दे नाल आ। पुत्र किशन, किशन पुत्र, किशन पुत्र, किशन तुसी इस वेले इत्थे ओ भी बाइबल पढ़दे होए? किशन सिंह तुहाडी अनुमति दे बिना 4 सालों तो बाइबल सिखा रही आ, इस नु साधु सुंदर सिंह दे वचन दे अनुसार साधु बनाउणा है। मैं मिस रुथ दी लाश दे कोल खड़ के प्रतिज्ञा लीती सी कि उस पवित्र थां ते किशन सिंह नु रब दे रस्ते विच चलण लई प्रेरित करांगी, इस करके इस नु बाइबल सिखा रही आ ताकि ये संसार विच घूम घूम के बाइबल। बंद कर मां, मैं तुहाडी पत्नी आ, तुसी मैनू मारो जा जिंदा रखो पर मैं अपने वचन उत्ते अटल रहांगी, इस नु रब दी सेवा विच ही समर्पित करांगी। ठीक है, तू अपनी गल ते अटल रहे, मैं अपनी गल ते अटल रहांगा, ते तेरी मनोकामना नु कदी पूरा नहीं होन देंगा, ते मैं तेनू मार देंगा, समझी तू? मां बापू जी बहुत गुस्से विच हैगे। तू चिंता ना कर पुत्र,
रब साडे नाल है। मां मालकिन मालकिन मालिक बहुत गुस्से थे ने, तुसी किते लुक जाओ, आओ आओ अंदर जाओ। हाँ हाँ। छेती जाओ छेती। चल पुत चल। किथे बाहर निकल। किथे लुकी है? ए तुहाडी वोटी है, तुसी एनु क्यों मारना चाहंदे हो? तुसी की सोचदे हो? आ वेख प्रताप, तू चुप करके बैठ। देख भाई प्रताप, जे तू अपनी पत्नी ते आपदे बच्चे नु मार देगा ते तैनू भी आपदे जीवन तो हाथ धोना पऊगा। इहदे विच उहनां विचारां दा की कसूर? तेरे बच्चे अनाथ हो जाणगे। अगर किशन सिंह तेरा कहना नहीं मानदा, उहनूं घर तों कढ दे। दिल तों नहीं, अजे उह नदान है, जदों वड्डा होऊगा हौली हौली समझ जाऊगा। दलेर जी दलेर जी, मालकिन दे छोटे मालिक नु मैं कमरे च बंद करके रख्या लिया। सदा याद रवे, ए रीत हमेशा तो चलदी आ रही आ। प्राण जावे पर वचन न जावे, शरीर ता निश्वर आ, एक दिन नाश हो जाऊगा ते वचन सदा अटल रहूंगे। ए मरण तो बाद भी अमर आ। मैं विश्वास कर दिया कि तू मेरी आज्ञा दा पालन करूगा। अपने प्रभु परमेश्वर नु कदी ना छड़ियो, तू परमेश्वर दी आज्ञा नु कदी नहीं भुलेगा। मैं तुहाडी आज्ञा दा उल्लंघन कदी नहीं करांगा। जेड़ा सच तुसी मैनू दस्या ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਮੇਰੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਾਲਕਿਨ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਜਾ ਪੁੱਤ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਰਕਸ਼ਕ ਆ। ਜਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਜਾ। तू मेरी गल नहीं मनी। बापू जी, मैं अपना जीवन यीशु नू दे चुका हूं, हुण मैं उना दी सेवा करांगा। मैं तेनू मार देंगा। प्रताप सिंह की कर रहा है? आखिरकार वो तेरा पुत्र है, क्यों मारना चाहना है? आखिर खून है तेरा। वो किशन सिंह, तू मेरी गल मनेगा या ईसाई बनेगा? बापू जी, मैं अपना जीवन यीशु नू दे चुका हूं, इसे लिए मैं मरण नू भी तैयार हूं। की कर रहा है प्रताप, पागल हो गया तू? प्रताप की हो गया? क्यों आते पुत नु मारता फिर? ओ जान तो मर चुका हो। हटे प्रताप, छोड़ दे मुंडे नु, छोड़ दे। आ मर जाते हो, मर चुका हो, नु जानो मारता तू। प्रताप अकल दे हाथ मार, हटे हटे। प्रताप ओ मर चुका, छोड़ दो मेनू। ओ प्रताप की हो गया? क्यों आते पुत नु मारता फिर? ओ जान तो मर चुका हो, हटे प्रताप। इत्थे कौन पिया है? ओ भरा इधर आ, इधर आ। हैं की होया? चल चक के, चक 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 के। धन्यवाद। कोई गल नहीं।
ਰੱਬਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਮੰਗੋ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਖਟਖਟਾਓਗੇ ਤਾਂ ਦਵਾਰ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਰੱਬਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰੱਬਾ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀ होश आ गए नाना पुत्र तेरी हालत किसने की मेरी माँ परमेश्वर ते विश्वास कर दी सी पुत्र तू हुण आराम कर परमेश्वर सब ठीक कर देंगे रब्बा ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਮੀਨ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗੁੰਡੇ ਭੇਜੇ ਉਹ ਸੁਣ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਅਜਨਬੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਵੈਦ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਅਜਨਬੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਦੱਸਦੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਚੱਲ ਵੇਖਦੇ ਆਪਾਂ चल चल वेख लगता उही घर है हाँ हाँ यही हाँ जा बोलो है कोई अंदर हट जा मेरे सामने तो तैनू मेरी पहला लाश तो ऊपर जाना होगा कौन है बार चल चल बाद वेख लांगे नू हाँ चल आजा भैया कुछ गुंडे साधु जी को पुत्र तेरी जान दे ले इत्थे खतरा है इसलिए मैंने लगता है कि तू बाइबल कॉलेज चला जा इस तो वड्डी मेरे लिए सौभाग्य दी गल होर की हो सकती है पास्टर जी तुहानू आशीर्वाद देन आमीन आमीन किशन सिंह नू वैद जी ने बाइबल कॉलेज च पा दिता और इसे तरह किशन सिंह पवित्र आत्मा ते बाइबल कॉलेज च बाइबल दी पढ़ाई करदा रहा और ओ पवित्र आत्मा दी अगुवाई च सालों साल चलदे रहे तीन साल किशन सिंह बाइबल कॉलेज च पढ़ाई करन दे बाद च ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਦਾ ਧੰਨ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਗੇ ਮਹਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੂਗਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੜਦਾ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਿਖਾਓ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਦੇ ਦੇ ਈਸਾਈ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਫਲਨ ਕਰਾਂ ਬੇਟਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਾਂ ਬੇਟਾ ਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਸਭ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਮੀਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ
इन्हां दी जान नूं खतरा वधदा ही जा रहा है, इसलिए मैनूं लगदा है कि तुसीं इहनूं छेती तों छेती इत्थों बाहर भेज दिओ। हाँ जी, मैं हुण इसनूं अपने नाल लैके जावांगी क्योंकि मैनूं इसे साल अमेरिका जाना है। अमेरिका जाण दे बाद च सब तों पहलों धनन कौर अपने बेटे नूं यरूशलम दसना चाहुंदी सी, इसे वास्ते वो उन्हां नूं उत्थे लै गई। एरे बाद च वो यीशु दे जन्म स्थान ते बैतलहम कैनाल वगैरह जगह ते लै गए और फिर वो वापस आ गए। हाय मेरे पुत्र, हुण तू सच विच एक पक्का साधु बन के जा रहा है। सही क्या माँ? जा पुत, हुण तेरा सहायक परमेश्वर ही आ। मैं विश्वास कर दिया कि तेरा रब तेनू जरूर बचाऊगा। मेरा आशीर्वाद सदा तेरे नाल रहूगा, तू डरियो ना। जिस दे नाल रब होवे ओनू डरन दी की लोड़ है माँ? रब तेरे नाल ही आ। यहना दे 14-18 पद विच यीशु ने कहा है, मैं तेनू अनाथ नहीं छड्डांगा, जा अपने यीशु दी सेवा तन मन नाल करियो। हाँ माँ, तेरी आज्ञा दा पालन करांगा। फिकर ना करियो, मैं हमेशा तेरे नाल हाँ। प्रभु दी कृपा नाल सब चंगा होगा। तू हिम्मत रख ते विश्वास रख अपने यीशु दे उपर, वो तेरा भला करनगे, तेरी रक्षा करनगे। पुत, मेरे कारण जिन्ने भी तू दुख सहे उस दे लई मैनू माफ करियो। हुण जा मेरे पुत। धन्यवाद यीशु। तू कौन है? है की चाहना है? कितों आया? तू चाहिदा की है? मैं प्रभु यीशु मसीह का सेवक हाँ। ते उना दी वाणी लोका तक पहुंचाने ले मैं लद्दाख जा रहा हाँ। जे तुहाडी इजाजत होवे तां मैं तुहाडे घर च थोड़ी देर आराम कर लेंदा। तू मसीह है ते ठीक है। केड़े मिशन चो है? मैनू बिशप उलमर साहब ने बपतिस्मा दिता है पर मैं किसे मिशन ते विश्वास नहीं करदा। मैं सिर्फ यीशु मसीह ते विश्वास करदा ते सारयां नू अपना परिवार समझदा। अच्छा, किसे मिशन तो नहीं है ता इसलिए मैं तुहानू इत्थे रहण दवां, यही ना? मैनू सिर्फ एक रात दे लई इत्थे रहण दिओ, सवेर हुंदी मैं इत्थों चला जावांगा। रात बहुत हो गई आ ते मैं थका हुआ भी हां। ते एक होर गल वीर जी, मैं इत्थे किसे नू जानदा पछाणदा नहीं आ। ठीक है, तेरे लिए अरदास करूंगा। हे परम पिता परमेश्वर, तुसी इस जवान दे अंग संग रहे हो। मैं परमेश्वर नू कह दिता है, ओ तुहाडे लई जरूर थां देख लैणगे। चला जा, जा। ए केहो जिहा आदमी आ, एक मजबूर इंसान दी मदद करन तो मना कर रहा है, कि यह सही गल आ? उपरों परमेश्वर नू आज्ञा दे रहा है जिवें परमेश्वर इसका सेवक होवे। अयुब 2:15-16 विच की लिखे होया है, जे कोई इंसान भुखा प्यासा होवे ते उना दे कोल रोज खाण दी कमी होवे ते बहुत बुरी हालत होवे ते उना नू कोई इंज जान दे लई कवे ता की ये सही गल आ? साधु जी नू पता चलिया है कि उना दी भैन शांता कौर बहुत बीमार हैगी।
आलो जी। डॉक्टर साधु जी नु दसदे ने कि उना दी भैन ज्यादा दिना वास्ते जिंदा नहीं रहेगी। साधु जी असी बहुत कोशिश कर रहे हैं, तुहाडी भैन सांता दा दिन पर दिन प्रतिदिन हालत बिगड़ती जा रही है। हुण इन्हां नू टिटनस हो गया है, इस रोग तो बचना बहुत मुश्किल लग रहा है। हुण किसी भी वक्त उन्हां दी मौत हो सकती है, तुसी इन्हू घर लै जाओ। साधु जी अपनी भैन शांता कौर नू हॉस्पिटल तो अपने ताऊ जी दे घर ले आंदे ताकि उन्हां दा अंतिम संस्कार किया जा सके। तू कित्थे सी? मैं अंदर ही सा। हाँ? हाँ? ये चल की रहा है? मैंने नहीं पता। ताऊ जी शांता साढ़े बीच बस थोड़ी देर दी मेहमान आ, उसकी अंतिम क्रिया किवें करिए? सानू संस्कार वगैरह जो कुछ करना है असी करांगे, पर एक गल है, हुण तैनू सिख धर्म च वापस आना। मेरी मरदी हुई भैन की अंतिम क्रिया के बदले तुसी उस जीवंत परमेश्वर नू छड्डन की गल कर रहे हो जिसकी राह नू मैं अपनाया है, उसनू मैं कदी नहीं छड्डांगा। जे तुसी मेरी भैन की रक्षा करना चाहते हो तो करो, चल दां। साधु जी एक चर्च च गए ताकि उन्हां दी भैन दा अंतिम संस्कार उस चर्च च हो जाए। पादरी जी शांता दे मरण तो बाद ईसाइयों दे कब्रिस्तान विच उसनू दफनान दी आग्या दियो। की तुहाडी भैन ने बत्तीसवां लिया है? क्योंकि बत्तीसवां लिया बिना साडे कब्रिस्तान दे विच असीं दफनाउण दी मंजूरी नहीं दिंदे। नहीं, हाले तक उसका बपतिस्मा नहीं होया है, पर वह ईशु ते भरोसा करती है, वह हुणे भी जीवित है। चंगा यही होवेगा तुसी मेरे नाल चलो ते उनू बपतिस्मा दे दियो। ठीक है, चलो देख दे। आओ इस तरफ पादरी जी। हाँ चलो आओ। इन्नी छोटी उम्र विच परमेश्वर कोले चली जाऊगी? आओ साधु जी इनू उठा के ले चल दे। तुसी निराश ना होवो, परमेश्वर जो भी करता है चंगे लिए करता है। हुण रात हो गई है, मैं चलदा, मैं कल सवेरे आके चर्च दे लोकां नाल आके इनू लेके जाना। चंगा पास्टर जी, ध्यान रखिया। सिर्फ शांता ही मेरी इको भैन सी, पर इसनू भी मैं बचा ना सकिया। बेचारी बचपन विच ही बीमारी का शिकार हो गई। हे प्रभु परमेश्वर, मेरी भैन दे जीवन विच जो भी इसकी इच्छा होवे वो पूरी होवे। आमीन।
शांता तैनू नवा जन्म दिता है और तू जाके मेरे बारे च दस कि मैं बहुत जल्दी आने वाला हाँ। परमेश्वर ने अपना अद्भुत चमत्कार शांता ते दसिया जिस तरह बाइबल च लिखा है परमेश्वर कदी नहीं बदलता। दुष्ट आत्मा मैं यीशु दा नाम लेके तैनू आज्ञा देंदा चली जा। मैं दुष्ट आत्मा नहीं हां, मैं शांता। तैनू मैं आखरी बार कह रहा चली जा। हां दुष्ट आत्मा वीरे शांता धन्यवाद प्रभु, तुसे मेरी पैर नु जीवन दिता है। धन्यवाद प्रभु। साधु जी दौड़ दौड़ के पास्टर दे कोल गए ते जाके दसिया ईश्वर ने उना दी पैर नु नवा जीवन दिता है। पास्टर जी मैं ता तुहाडे वाल ही आ रहा सी, हुण कोई लोड़ नहीं है। परमेश्वर ने मेरी पैर नु जिंदा किता है। तनु होश ता है ना? मैं सही कह रहा। लगदा की ताडा वहम है। नहीं नहीं, परमेश्वर ने असल च मेरी बहन नू जिंदा किता है। तुसी आओ ते आप वेख लो। चलो हाँ चलो आजो। अरे ताऊ जी एक कुड़ी इत्थे। ताऊ जी ये तो मर गई सी ना? हुण मैं इन्हां दोनों नूं मार के ही दम लवांगा। वीर जी परमेश्वर कितना महान है, मैं अपनी अखां नाल वेख लिया। अज भी यीशु लोकां नूं इदां जिंदा करदा है। प्रभु तुसी मेरी भैण नूं नवा जीवन दिता है। तुसी महान हो, तुसी सच्चे हैगे। तुसी मेरी भैण नूं बचा लिया प्रभु। धन्नवाद प्रभु। शांता जीत आया जी। तू की भीड़ कट्ठी करके यीशु यीशु कर दी रहनी है। ताया जी परमेश्वर ने मैनु पुनर्जन्म दिता है ते मैं गल सारेयां नु दसांगी। लोकां दे विच जाके उनां दी सेवा करांगी ते लोकां नु ए भी दसूंगी कि ओ छेती आउण वाले है। तेरा भरा तां पहला ते पागल है ते हुण तू भी। शरीर घर दी कुड़ी बाहर घूमेगी, साडी कोई इज्जत नहीं है। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਓਗੇ। ਚੱਲ ਚੱਲ ਤੂੰ ਵੀ। ਆਏ ਵੱਡੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। शेर सिंह। ताऊ जी। साधु किशन सिंह अते शांता कौर। ताऊ जी तुसी बेफिकर रहो, कल दा उगदा हुआ सूरज साधु किशन सिंह ते शांता कौर नहीं वेख सकंगे। साधु किशन सिंह वेना हुण तैनू केड़ा जीसस बचांदा है। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਓ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਜੀਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਮ੍ਰਿਤਿਉ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਏ ਪਗਲੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਰਨ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰੋ,
तेरा टाइम खत्म हो गया किशन सिंह। परमेश्वर दया करो। शांता, मैं तेनू किसे चंगे बोर्डिंग स्कूल विच पाके प्रभु दी सेवा करना चाहुंदा। तेरा इत्थे रहना खतरे तो खाली नहीं हैगा। नहीं वीरे, मैं भी तेरे नाल चलांगी। शांता, तू जान दी है तू की कह रही है। प्रभु दी सेवा करना कोई आसान काम नहीं हैगा। घर बार छड़ देश विदेश घूमना पै सकता है, ते कई बार भुखे भी रहना पै सकता है, ते लोग तेनू गाला कढ़नगे। जिथे जिथे जावेंगी लोकी तेनू मारनगे भी, तरह तरह दे इल्जाम लगनगे। इन्ना सारी मुसीबतां नू मैं सह चुका, तू तो छोटी जी बच्ची हैगी। प्रभु दे लोकां नू सहना पैंदा है, तेरे लिए इन्ना मुसीबतां नू सहना मुश्किल होवेगा। वीरे, जिस परमेश्वर ने मैनू मौत तो तीन बार बचाया, ओ परमेश्वर सानू सारे दुखां ते सारियां मुसीबतां नाल लड़न दी हिम्मत देंगे। चंगा, मैं इत्थों निकलण दा इंतजाम करदा। ठीक है वीरे। शांता, शांता चल, रात हो गई, सब सो रहे ने। मैं वेखे है सब सो रहे ने, चल चलिए। हाँ वीरे चल। एक दिन अधी रात नू अपने ताऊ जी तो छुप के साधु जी और उना दी पैन शांता कौर परमेश्वर दे वचन सुनान लई आसाम चले गए। माड़ी जी सट लग गई। चाचा जी, असि तुहाडे बहुत आभारी हां कि तुसी सानू तुहाडे घर च रहण दा आश्रय दिता। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਓਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਧੂ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੁਟੀਆ ਚ ਗਏ। ਵੀਰੇ ਵੀਰੇ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ਼ੂ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਭਟਕੇਗਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਚ ਭਟਕਣਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੰਗਲਾ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੁਛ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ
पुछ, की पुछना है? जे तुसी सही जवाब दोगे तो आप दोवे तुहाडे नाल चलन लई तैयार हो जाएंगे। मैं पूछना चाहुंदा जे अज रात मैं मर जाऊंगा, ये सारी चीजा जो तुसी देण दा वादा कर रहे हो कि मेरे नाल स्वर्ग विच भेज सकते हो? नहीं पुत्र, ये सारा कुछ तो इत्थे रह जाऊगा। जे इन्हां सारी चीजा नूं मैं छड़ चुका तो फिर इन्हां चीजा दे लई अपनी आत्मा नूं नष्ट करन दा की फायदा? बाइबल मरकुस 8:36 विच लिखिया होया है कि एक इंसान पूरे जगत नूं कमाए ते अपनी जान दा नुकसान करे ते उस तो की लाभ? इस तरह ता तुसी दोवें भैन भरा भुखे मर जाओगे ते तुहाडी मदद दे लई कोई नहीं आऊगा। असी साडे प्रभु यीशु दे नाम विच मरन नूं भी तैयार हां। ते जाओ मर जाओ। वीरे पानी। ले शांता, तू भी पी ले। परमेश्वर ने तो किया कि मैं तेनू कदी नहीं भुलांगा। वेसाया 49:15-7 पद विच लिखिया है। वीरे आ वेखो, परमेश्वर ने सानू खाना दिता है, आपां इनू मिलके खाने आ। शांता, इस विच तो बहुत कट खाना है, तू इस विच ही मैनू भी खाण लई कह रही है? जे आपां दोवें खावांगे तां किसे दा ढिड नहीं भरूगा। एक कम कर, तू ही इसनू खा ले, वैसे भी तू कमजोर आ, तैनू भुख भी लगी है ते तैनू शांति भी मिल जूगी, तू खा ला। नहीं वीरे, तुसी भी तो 7 दिनां तो कुछ नहीं खादा, जे तुसी नहीं खाओगे तां मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। असी छकांगे। सानू कपड़े भी चाहिए ने। सानू एक रुपए की भी लोड़ है। शांता, कि साडे कोल पैसे हैगे? जे साडे कोल पैसे हुंदे तां असी 7 दिनां तो भुखे हुंदे। बाइबल विच वेख। हाथ मलाओ ते मैनू विदा करो। मैं आशीष दिना हाँ कि सदा मैं तुहाडे अंग संग रहांगा ते तुहानू किसे चीज़ की कदे भी कमी नहीं होएगी। प्रभु यीशु तुहाडी रक्षा करनगे। जो बाबा जी आए थे किथे तो गए? बाबा जी सी ओ किथे गए? पता नहीं। इसे तरह साधु किशन सिंह और शांता कौर लगदा है ओ प्रभु यीशु मसीह सी गए। उन्होंने सानू दर्शन दिते, परमेश्वर दे इम्तिहान च पास हो गए और ओ बहुत ज्यादा खुश हुए क्योंकि आज भी परमेश्वर उन्हां दा ख्याल रखता है। प्रभु यीशु मसीह संसार विच साडे सारयां दे लई आए, वो पूरे जगत नूं जीवन देणगे ते तुहाडे परिवारां दा भला करणगे। इसे तरह साधु किशन सिंह कश्मीर तो लै के लद्दाख की तरफ परमेश्वर दे अच्छे वचन सुनान वास्ते चलदे गए। ये सब सच आ, परमेश्वर दी गल्लां ते तुसे विश्वास करो। और फिर ऐसे तरह साधु किशन सिंह लद्दाख दे छोटे छोटे पिंडां च परमेश्वर दे वचना दा जगह जगह प्रचार करन लगे। उसे वेले मालिक उथे एक साधु आया है, वो यीशु दे बारे विच सारे ने दस रहा है। उथे साधु
ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਗੈਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿੰਦਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਕੌਣ ਹੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਚਲੋ ਛੇਤੀ ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਹਾਂ ਚੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਤੈਨੂੰ ਚਲ ਛੇਤੀ ਚੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿ ਅੱਗੇ ओए तू ते कह रहा सी कि कोई साधु है ये ते पहलवान है इनू अपने अखाड़े च लैके चल अते अगर तू जित गया ते असी इनाम भी दवांगे अते तेरी गलती भी माफ कर देंगे चलो इनू अखाड़े च लैके चलो चल तू इन्ना लड़के दिखा जिवें प्रभु ने दाऊद की सहायता की है वो मेरी भी करेंगे हुण मजा आएगा क्या बात है खिंच गए ये शर्त ते तू जित गया ऐसा प्रभु ते करके हो आ रहा तेरा इनाम खड़ जा हले तेरी एक और परीक्षा बाकी है चलो भाई प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच ए लकवे दा रोग चंगा हो जावे यीशु मसीह दे नाम ओ साधु किशन सिंह दी प्रार्थना दी वजह नाल बिल्कुल ठीक हो गया चमत्कार हो गया अरे हाथ ऐ सब यीशु मसीह दा चमत्कार है धन्यवाद प्रभु तुसी महान हो तुसी इसनु चंगा कर देता ईश्वर तेनु बरकत देन माफ कर दियो जी प्रभु तेनु सद्बुद्धि देन तुसी भी सच्चे ते तुहाडे रब भी सच्चे साधु जी बर्फ दे रस्तियां विच परमेश्वर दा प्रचार करन जा ही रहे सी उसे वेले उना नू पैर च कुछ महसूस होया जद उना ने देखिया एक बच्चा बर्फ च दबिया होया सी प्रभु यीशु इस बच्चे दी मदद कर रहे हो तुसी महान हो प्रभु यीशु इस बच्चे दी रक्षा कर रहे हो इस बच्चे दी मदद कर रहे हो इस बच्चे दी मदद कर रहे हो प्रभु यीशु इस बच्चे दी मदद कर रहे हो कोई हैगा कोई हैगा कोई हैगा कोई हैगा इस बच्चे दे लई बुआ खोल दे हो कोई हैगा मैं साधु किशन सिंह हाँ प्रभु दा दास हाँ की गल है भैन बहुत परेशान लग रहे हो मेरा पुत्तर दो दिन तो घर नहीं आया ते मेरे पति भी वेखन ले गए वो भी घर नहीं आए चिंता ना कर भैन प्रभु महान है गे वो तेरी मदद करेंगे
बच्चा किधर है? इस बच्चे नु की होया है? दरअसल है बच्चा बर्फ विच दबिया होया सी। एदा शरीर ठंडा पै गया है। इनू गर्मी दी लोड़ा। आइए आइए अंदर आइए, छेती आइए उन्हें लेके। प्रभु यीशु बच्चे दी सहायता करियो, बच्चे दी सहायता करियो प्रभु, प्रभु तुसी महान हो। पैर। हाँ जी। उड़े अग्नाला। अरे यही तो मेरा पुत्र है, यही मेरा पुत्र। पैर। तू रो ना, माड़ी जी मालिश कर। पैर। तू इस बच्चे दी माँ आएगी। मेरा पुत्र उठा क्यों नहीं पे है, प्रभु जी। तू रो ना, प्रभु महान है गे। चल मिलके प्रार्थना कर दें, मैं होना तो प्रार्थना कर दा। प्रभु तुसी महान है गे, तुसी सामर्थ है गे। प्रभु तुसी इस बच्चे नु बचा लियो, मदद करियो प्रभु। ईशु प्रभु इस बच्चे नु चंगा करियो, मदद करियो प्रभु। मेरी प्रार्थना सुनियो प्रभु, आमीन। मम्मा धन्यवाद प्रभु, वेख्या पैन प्रभु दा चमत्कार, वो सब तो महान है गे। धन्यवाद प्रभु, प्रभु तेनु आशीर्वाद दे। चलदा मैं, प्रभु दी कृपा तो मेरा पुत्र मिल गया। मेरे पुत्र मैनू पता है तू जिथे भी आ रब तेनू अपनी मर्जी नाल चला रहा है। मैनू एक गल दसन विच अफसोस आ कि तेरे पापा जी नहीं रहे, पर इस गल दी खुशी आ कि वह परमेश्वर दे राजे विच आ, परमेश्वर दे कोल आ। उन्होंने अपने अखीर दे दिनां विच अपना मन बदल लिता ते उन्होंने यीशु मसीह नू कबूल कर लिता। मैं तेनू छेती मिलांगी पिता पुत्र पवित्र आत्मा दे कोल, प्रभु दे आगमन तक हमेशा तेरे नाल रवे, आमीन। धन्यवाद पिता। साधु किशन सिंह जी आराम करन लई एक गुफा च जांदे ने। उत्थे डाकू रंबा दे गुरु जिन्हां नूं लकबा दा रोग होया है उन्हां वास्ते साधु जी प्रार्थना करदे ने और ओ ठीक हो जांदे ने। ऐ देख के रंबा हैरान हो जांदा है और परमेश्वर ते विश्वास करन लगता है और अपनी जिंदगी परमेश्वर दे हवाले कर देता है और साधु जी नूं कहता है हुण तो मैं थोड़े दसे दे रस्ते ते ही चलांगा और सारी जिंदगी परमेश्वर दी सेवा करना चाहांगा। फिर वो रंबा नूं लै के गुरु जी दे कोल लै जांदा है। जय होवे ईसा मसीह दी। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह दी, जय मसीह दी। किसने किवें है तू पुत्त? मैं ठीक हां पास्टर जी। ठीक है, बैठो 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 जी। धन्यवाद। होर दसो किवें चल रही है तुहाडी चैरिटी? बहुत वधिया, प्रभु दी मेहर हैगी। बहुत सोहना। अते सज्जन कौन ने? ये रंबा हैगा, ए पहला डाकू सी। ओह डाकू, सत श्री अकाल। वधिया वधिया, हुण इहदा मन हृदय परिवर्तित हो गया है। अरे ये ते बहुत वधिया गल हुई। ए भी सेवा करना चाहुंदा है। वधिया गल है, इसलिए मैं इसनु तुहाडे कोल लेके आया। ठीक ठीक, बहुत वधिया कीता तुसी। बाइबल ते प्रभु दी जानकारी वध तो वध इनू मिले। ठीक ठीक, बहुत वधिया कीता, मैनु बड़ी खुशी हो रही है। तुसी मेरे नाल रहोगे ते ज्यादा तो ज्यादा रब दी सेवा करोगे ते मैं चाहुंना तुसी एदे लई प्रार्थना करियो। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਈਸ਼ੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਰੰਭਾ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਓਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਸਾਧੂ ਜੀ, ਚੱਲਦਾ। ਜੈ ਈਸਾ ਮਸੀਹ।
और ऐसे तरह साधु किशन सिंह और शांता कौर दी उम्र वद्दी चली गई और वो दोनों पूरे भारत च घूम घूम के परमेश्वर दा प्रचार जगह जगह कर लगे। साधु जी सत श्री अकाल। साधु जी प्रणाम। प्रणाम। मैंने जिवें पता लगा कि तुसी इस पिंड च आए हो, मैं भज्जा भज्जा इत्थे आ गया। मेरी भैन बहुत दिनों तो बीमार है, मैनूं विश्वास है कि तुहाडे लोकां दी प्रार्थना नाल मेरी भैन ठीक हो जूगी। वीर जी तुसी चलो, मैं कुछ खाण नूं बना लैनी आ। चंगा साधु जी, ओ ठीक तो हो जूगी ना। आओ साधु जी, देखो आया मेरी भैन। हे उपर वाले, मैं तेनु धन्नवाद कहंदा। ईशु मसीह दे नाते धन्नवाद। ईशु मसीह दे नाते, ईशु मसीह दे नाते उठ जा। ईशु मसीह दे नाते उठ, ईशु मसीह दे नाते उठ। साधु जी। हाँ। ए तुहाडा पार्सल। साधु किशन सिंह दी जिंदगी च परमेश्वर ने एक अद्भुत चमत्कार किया। शांता, शांता। हाँ वीरे। वेक परमेश्वर ने साडे लिए खाना भेजे है। वीरे दे विच ता रोटियां ने, ते रोटियां दे नाल कपड़े भी ने जिवें दे तुसी पहनदे हो। सत दिन भुखे रहण दी वजह करके दयालु प्रभु ने किसे दे मन विच प्रेरणा पार के सानू खाना भेजिया है। वीरे एदे विच ता 100 रुपए दा नोट भी रखिया है। धन्नवाद प्रभु। धन्नवाद प्रभु। शांता जी। वीरे हुण सानू इत्थों निकल के नागालैंड ते मद्रास दी ओर जाना चाहिदा है। जी वीरे। हुण उत्थे जाके प्रचार करांगे। चलो चलिए। और साधु किशन सिंह और शांता कौर ईशु दा पैगाम लेके निकल पए। चल चल दे आ शांता। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु ईशु मसीह दा सेवक हाँ, तुहानू प्रभु ईशु मसीह दे बारे कुछ दसदा। प्रार्थना करिए। जी बिल्कुल। और इसे तरह अपने मामा साधु सुंदर सिंह दे पद चिन्ह ते चलदे होई साधु किशन सिंह और शांता कौर पूरी दुनिया च परमेश्वर दे वचना दा प्रचार करन लगे। और फिर चल शांता। हाँ वीरे। 15 साल बाद ईसु मसीह मेरे भरा नूं ठीक कर दो, छेती ठीक कर दो। दीदी जी। जी। इन्हां दी तबीयत विच कोई सुधार नहीं आ रहा है। हुण शायद इन्हां दी तबीयत विच कोई सुधार आवे, अग्गे ईश्वर दी मर्जी। वीरे सुन। वीरे जोगिंदर वेदी दे परिवार वाले दस रहे सी कि विदेश विच उन्हां दे संबंध ने, कि उन्हां नूं इह खबर दे दिए। नहीं शांता, जिन्हां नूं मसीह ते भरोसा नहीं, सानू उन्हां दे भरोसा ने। मेरी ख्वाहिश हैगी मैं आंध्र प्रदेश दे दीपक प्राणू मिलना चाहुंदा। उसनू मैं कॉलेज दे दिनां तो जानदा। हाँ वीरे, की ए खबर मैं उन्हां नू दसदा।
कि तुसी हस्पताल विच्चो? नहीं, वो उत्थों निकल गया है, वो आ रहा है, वो आवेगा ते साडे इस कम नू अग्गे वधावेगा। वो आवेगा। दीपक, हाँ? तू आ गया? हाँ दीदी। साधु जी, अचानक ये की हो गया तुहानू? मैनू जिवें पता लग गया तुहाडे बारे, मैं भज के आ गया। दीपक, साडे कम नू अग्गे वधा, चंगा होया तू आ गया। चल प्रार्थना करिए। धन्यवाद प्रभु। प्रभु, मेरे प्राण तुसी जो भी दिता ठीक कर दो। प्रभु, तुसी साडी रक्षा कीती। मेरे प्राण नू ठीक कर दो। धन्यवाद प्रभु। मेरे प्राण नू छेती ठीक कर दो। हे यीशु, साडे प्रभु नू छेती तो छेती ठीक कर दे। वीरे, 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 वीरे। भारत दे कोने कोने च परमेश्वर दे वचना दा प्रचार करन दे बाद च असाम दे अस्पताल च अपने दोस्त दीपक नाल आखरी मुलाकात हो गई। और फिर उरे बाद च साधु किशन सिंह जी परमेश्वर दी गोद च सो गए। दीदी, तुसी अपने आप नू संभालो, प्रभु यीशु तुहाडी सहायता करनगे। किशन सिंगा किते डोल न जावी वे, हुण यीशु नाल तेरे तू भी साथ निभावी वे, हुण यीशु नाल तेरे तू भी साथ निभावी वे। भावे गर्दन कट जावे मरनो नहीं डर दे, आज मां दी सिखिया नू तू दिल च वसावी वे। मां कहंदी किशन सिंगा किते डोल न जावी वे। लगा सीने मथे नू चुम दिए, दिल इंज तड़क दाए फिर के जे में घूम दिए, किते वेख मुसीबत नू तू ना घबरावी वे। मां के किशन सिंगा किते डोल न जावी वे। मां कहंदी किशन सिंगा किते डोल न जावी वे। हुण समय आ गया है पुत तेरी परखया, बाइबल दे हुक्मानू तू सिरे लगावी वे। मां कहंदी किशन सिंगा किते डोल न जावी वे।
तेरे तू भी साथ निभावी वे हुण यीशु नाल तेरे तू भी साथ निभावी वे।